अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आइए नाज़रीन, अगली खबर आप देख सकते हैं जो कि AIMIM पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद पाशा खादरी को लेकर है। दिल्ली में असदुद्दीन अवैसी के घर पर जो नेम प्लेट था उस पर काली शाही लगाने के बाद पाशा खादरी साहब ने अपना एक बयान दिया है, तो आइए वो हम आपको दिखा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी इत्तला मिली है कि दिल्ली में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की क़ियामगाह पर कुछ शरपसंदों ने हमला किया और वहाँ पर कुछ नारेबाजी भी की, कुछ पोस्टर्स लगाए और इनके नेम प्लेट पे CI छीन के नाम मिटाने की कोशिश करे। इस किस्म की हरकत हुई है। ताज्जुब तो ये होता है कि हिंदुस्तान का पायतख्त दिल्ली है, दारुल हुकूमत में पुलिस की कार्रवाई क्या नौइयत की होना चाहिए वो हुकूमत को खुद गौर करना चाहिए। नकीब मिल्लत की क़ियामगाह के बिल्कुल सामने डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है पुलिस के, और वहाँ कोई सिक्योरिटी के माकूल इंतज़ाम नहीं। उसूलन तो MP के जितने कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग होना चाहिए, पिकेट होना चाहिए, माकूल इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन वहाँ जब चाहे जब शरपसंद आते हैं, नारेबाजी करते हैं, शरपसंदी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, चले आते हैं। नकीब मिल्लत की क़ियामगाह पर यह तीसरी या चौथी मरतबा है हमले का, और इसके ताल्लुक से हुकूमत की पॉलिसी ये होना चाहिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारी अक्सरियत से 5वीं मरतबा मुंतखब हुआ है उसके तहफ्फुज़ में मौसर इकदामात करके शरपसंदों को गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये चीज़ों को हिंदुस्तान के अवाम बिलखुसूस मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नकीब मिल्लत की क़ियामगाह पर बार बार अटैक करना, इससे पहले उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई, ऐसे कई हमले हुए, लेकिन पुलिस को चाहिए कि वो मौसर तौर पे कार्रवाई करे, शरपसंदों को इस अंदाज से अपने गिरफ्त में ले कि दोबारा उनकी हिम्मतें जवाब दे। वो हिम्मतें उनकी नहीं होना चाहिए कि दोबारा ऐसी शरपसंदी कर सके। इसलिए हमारा मुतालिबा है, पहले तो हम इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आवाम से अपील करते हैं कि वो इस नौइयत के कार्रवाई पर सब्र तामुल का मुजाहरा करे, दुआ करे कि मजलिस को अल्लाह और तरक्की दे और मजलिस को कामयाबी अता करे और नकीब मिल्लत की अल्लाह हिफाजत करे। क्या मजलिस के नकीब मिल्लत के ऐवान ये पार्लियामेंट की तकरीर के इक्तबासात पे एतराज़ जिसको है, कोई ऐसी गैर जमहूरी तकरीर नहीं थी ना कोई हिस्सा था। उन्होंने बिल्कुल ऐवान के पासो लिहाज रखते हुए पूरे तकरीर किए। इस पे नए नए नुक्तों पर एतराज़ात करना ये फ़िरका परस्तों की आदत है, और फ़िरका परस्तों की ये हरकत होती है जो हमेशा कुछ शरपसंदी करने के लिए सोचते हैं। इनको अब कोई जवाब नहीं मिला, आज भारी अक्सरियत से पार्लियामेंट में इनकी नाकामी हुई और आज वो मुकाम वो ताकत इनको हासिल नहीं रहा जो इससे पहले के इलेक्शन में मिला था। आज बेसाखियों पे हुकूमत आ गई है, लेकिन उसके बाद भी ये आलम है कि नकीब मिल्लत के खिलाफ शरपसंदी की जाती है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसके खिलाफ मौसर कार्रवाई करे और MP की कॉलोनियों में मौसर पेट्रोलिंग रखे, पेट्रोलिंग करे, इंतजाम करे ताकि सबके लिए एक्सा माकूल इंतजाम हो सके और अमन बहाल हो सके। शुक्रिया। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।